हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सेन आज के मोटिवेशन में लेकर आया हूँ विद्यार्थियों से जुड़ा गंभीर विषय। विचारों की अभिव्यक्ति में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। मान्यवर भीगती मसों और फूलती नसों के दिनों में अपने घर से कोसों दूर एक छोटे से 10x10 के कमरे में निपट अकेला बैठकर रोता किशोर अपने मन मस्तिष्क में चल रहे झंझावातों चक्रवातों को झेल रहा होता है, अपनी मन स्थिति को कोस रहा होता है। किसी छोटे बड़े सपने के खत्म हो जाने के कारण खुद को ही समझ रहा होता है और अंत में वो एक ऐसा फैसला लेता है जिसे लेने का उसे कोई अधिकार नहीं है। वो एक खत लिखकर छोड़ता है और बाद में इस दुनिया को छोड़ देता है। दोस्तों, वो अपने आखिरी खत में लिखता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, यही एकमात्र समाधान था। मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मुझे माफ करना। यह कहकर वो लड़का मर जाता है। तो आज के मोटिवेशन का यही उद्देश्य है कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जरा सोचिए दोस्तों, एक कमरे में एक रस्सी बंधी हुई है जिस पर एक लड़का लटक रहा है। उसके निर्जीव शरीर के निर्बल और शक्तिहीन हाथ पैर हवा में झूल रहे हैं। उसकी आंखें फटी हुई है, उसके गर्दन की नसें टूट चुकी है, उसके गालों पर आंसू की कुछ आंखें सूख कर जम गई है। उस लड़के ने तो अल्पकालीन आवेश में आकर आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी फटी हुई आंखें उसकी माँ का कलेजा बनकर हमेशा जिंदा रहेगी। उसके गर्दन की टूट चुकी नसें उसके पिता की वो तार बनेगी जो अब कभी छंकृत नहीं होंगे। उसके निर्जीव शरीर के निर्बल और शक्तिहीन पैर हाथ पैर जो हवा में झूल रहे हैं वो उसकी भाई को हमेशा तोड़ा करेंगे। और अल्पकालीन आवेश में आकर ये लिया गया निष्ठुर निर्णय लाखों युवाओं को तथाकथित प्रेरित करेगा। साथियों, एक ऐसा हल है जिसमें बर्बाद होता अपनों का कर है। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अल्पकालीन आवेश में आकर ये निर्णय ले लेते हैं, घबरा कर तो कह देते हैं कि मर जाएंगे। यदि मरकर भी चैन नहीं मिला तो किधर जाएंगे? साथियों, अल्पकालीन और छोटी मोटी विफलता कोई विफलता नहीं है। विश्व नायक कहे जाने वाले लोग अपने अकादमिक क्षेत्र में कभी सफल नहीं हुए। आप बड़े लोगों का ही नाम ले लीजिए, थॉमस एल्वा एडिसन, सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, महात्मा गांधी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कभी अपनी कॉलेज और स्कूल की लाइफ की परीक्षाओं में सफल नहीं हुए, लेकिन अपने मेहनत के बल पर जीवन में उच्च पदों पर पहुंचे। तो साथियों, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या से बचें तथा जीवन जीने के तरीके को सीखें। अल्पकालीन आवेश में आकर कोई भी ऐसा निर्णय न लें जो भावी पीढ़ी को शर्मिंदा करे। गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि कुछ सपने मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, छंद खिलौने खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है। कि सपना क्या है, सपना क्या है, नैन सेज पर सोया हुआ आग का पानी और उसका टूटना जुझागे कच्ची नींद जवानी, गीली उम्र बनाने वालों डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के मर जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, छंद खिलौने खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है, कुछ सपने मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जय हिंद, जय भारत।